26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को 30,000 कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दीप सिद्धू को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसी के साथ अदालत ने दीप पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। उसे अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के हवाले करना होगा। हर माह की 1 या 15 तारीख को या जब भी जांच अधिकारी बुलाएं तो उसे पेश होना होगा। उसे हर समय अपना मोबाइल फोन लोकेशन शेयर डिवाइस के साथ स्विच ऑन रखना होगा। उसके द्वारा किसी गवाह या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दीप सिद्धू ने अदालत में अपने बचाव में कुछ दलीलें पेश की थी। इसमें दीप सिद्धू के वकील ने कोर्ट में कहा था कि लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इसने ये भी दावा किया कि उसने हिंसा के लिए लोगों को नहीं भड़काया। साथ ही ये कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं द्वारा आह्वान किया गया था। वकील के जरिए दीप सिद्धू ने यहाँ तक कहा था कि वो तो किसान यूनियन का सदस्य भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।